अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की सुबह फिर इन कबूतरों के साथ आप लोग देखिए इंजॉय करें। और देखिए आज वेदर भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार सा वेदर है। और सबसे पहले तो मुझे आप सब लोगों का थैंक यू करना था कि आप लोगों ने कल मेरे बाबा के लिए बहुत सारी दुआएं की। उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझा और सबने बहुत सारी दुआएं की। थैंक यू वेरी मच। और बस अब चलते हैं अंदर और चल के नाश्ता बनाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। रेडी हो गया नाश्ते में, ये अब हम पियेंगे और आप लोग अपने अपने घर में ट्राई करें। नाश्ते से हम हो गए हैं फ्री और अब यहाँ पे हम धो लें बर्तन, उसके बाद मिलते हैं। अब बर्तन वगैरह हमारे हो गए हैं वॉश और अब हम यहाँ पे बनाने लगे हैं कस्टर्ड, क्योंकि आज जुमेरात है तो बड़ी मुराद है, तो हम इसलिए आज मीठा बनाएंगे और अब खाना बनाते हैं इसके साथ साथ। तो खाने में आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। मैंने शलजम जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ बॉयल करके, लेकिन आज नहीं रखे थे तो इसलिए अब ये साथ साथ ही होगा सब कुछ। और यहाँ पे दूध मेरा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसके अंदर शान का मैंगो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा कस्टर्ड जो है वो रेडी होने ही वाला है, ऑलमोस्ट। अभी है थोड़ा सा रनी है लेकिन थोड़ा सा हमें और करना है। यहाँ पर जेली रेडी हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कस्टर्ड बने और जेली ना बने, तो यहाँ पर जेली रेडी हो रही है। जेली बन गई, अभी ठंडी होगी तो फिर हम इसको असेंबल करेंगे। मैं आटा गूंदने लगी हूँ, उतनी देर तक हमारा कस्टर्ड वगैरह सब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उसको असेंबल कर लेंगे। दिया है अब इसको रखते हैं। यहाँ पे मेरे शलजम जो है वो बॉयल हो गया, अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पे गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल गया, बस अब इसका पानी और इसको अच्छे से भूनेंगे इतना भूनेंगे कि बस, ताकि ये जितना अच्छा हम भूनते हैं, और अगर हम लकड़ी के चम्मच से इसको भूने तो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप ट्राई कर लें। हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है, अभी बस अभी भुन रहा है, अभी भुना नहीं है, ऑयल ऊपर आने वाला है गोश्त। फिर जब जैसे ऑयल पर आएगा तो हम इसके अंदर शल बना सकते हैं। मज़ेदार सा ट्राइफल रेडी हो गया है। साइड पे मैंने स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं और नीचे मैंने केक रखा है। यम्मी इन माय टमी। अभी मैं बाहर आई हूँ और ये 3 बजे देखें कैसा ज़बरदस्त सा मौसम हो गया, इतना अच्छा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा हो गया। बादल बादल हर जगह पे और यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई लोग ही नहीं नज़र आते, हर टाइम क्वाइट साइलेंट ही रहता है। और अभी तो फिर भी वेदर गर्मियों का है तो कोई नज़र आ जाता है, लेकिन जब ये सर्दियाँ आएंगी तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे कोई नहीं नज़र आता। अभी शाम होगी तो सब लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से अपने घरों से। यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ फ्रेश, अब पढ़ेंगे नमाज। इस पढ़ के मैं हो गई हूँ फ्री और आज जुमेरात है तो अब हम पढ़ेंगे हदीसे किस्सा और मौला का मौजा। अब हदीसे के साथ पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कामों से डन हो गई, फ्री हो गई बिल्कुल, और अब टाइम क्या हो गया, 6:30 हो गए हैं और आज मैं बहुत देर से फ्री हुई, तो बस अब मैं सुकून से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करने वाली हूँ। चाय भी बहुत मज़ेदार सी रेडी हुई है और आज चाय का मज़ा डबल बल्कि ट्रिपल हो गया कि पाकिस्तान का ज़ीरा प्लस बिस्किट है मेरे पास आज तो इतना ज़्यादा हब्स हो गया है के बस। और पत्ते देखें बिल्कुल नहीं, हवा तो है ही नहीं आज, और अभी बारिश होने वाली है, बस उसकी वजह से इतना घुटन वाला हो गया, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ चाय पी के। और आज यहाँ पे गार्बेज निकालने का दिन है तो सबने अपने घरों से बाहर गार्बेज निकाला हुआ है, जो रात को 1 बजे आएंगे और ले जाएंगे गार्बेज। फिर ये सारी रोड्स क्लीन हो जाएंगी, साफ़ सुथरी हो जाएंगी, आप देख सकते हैं सारा गार्बेज ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। और बस अब बारिश जल्दी से हो जाए ताकि ये घुटन और हब्स ख़त्म हो। हाँ जी, खाना वाना खा के हम हो गए थे फारिग, तो बस वॉक का आज मूड नहीं था मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, दिल चाह रहा था कुछ ठंडा खाने का। तो अब हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स और यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे अपनी आइसक्रीम। देख लें यहाँ पे कोई अंदर बैठ के नहीं खाता, सब ड्राइव थ्रू वाले, क्योंकि अमेरिका वेरी बिजी लोग, वेरी बिजी। और यहाँ पे हायरिंग भी हो रही है 219 स्ट्रीट हिलसाइड एवेन्यू पे मैकडॉनल्ड्स में, तो जिस जिसको जॉब चाहिए वो आ जाए। आज
30 मिनट्स वेट करने के बाद हमें मैकडोनल्ड्स वाले बोलते हैं कि हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, तब हम दूसरे मैकडोनल्ड्स में आए हैं। अब देखें यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती। जब यहाँ आओ तो ये सारी चीज़ देख के दिल करता है बंदा कुछ तो ऑर्डर करते हैं बर्गर शर्गर, पर हलाल ही नहीं है, क्या करे बंदा, आइसक्रीम खाए। फाइनली यहाँ पर हमें कोन मिल गई है, फाइनली कोन आ गई। आइसक्रीम खाते खाते ही अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। आप सबका बहुत थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और मेरे फादर इन लॉ के लिए बहुत सारी दुआएं करने का, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और बस अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो फिर तब तक अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक मैं भी अपना ख्याल रखूँगी ताकि कल हम अच्छी सी वीडियो फिर से बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।